हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। डियर, जैसा कि ऑलरेडी जो है ये बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका है थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट सेक्शन। ये कंपोजिट सेक्शंस या कंपोजिट बार का जो थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू होता है या जो थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है कंपोजिट बार के लिए, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो पहले इसको रीड करते हैं। ऑलरेडी यदि आप थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट सेक्शंस का लेक्चर आप मेरा नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से जो है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्लेलिस्ट से आप वहां से भी ढेरों सारा न्यूमेरिकल देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट जो है आपको वहां से डेवलप हो जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको रीड करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या है और फिर डेटा कैसे और क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ए फ्लैट स्टील बार। कैसा स्टील बार है, किस चीज का बार है? फ्लैट स्टील बार है, स्टील का बार है। 200 mm, देखिए यहां पे डायमेंशन दिया हुआ है 200 mm × 20 mm × 8 mm। यहां से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है 200 mm इज योर लेंथ, 20 mm इज योर विड्थ और 8 mm इज योर थिकनेस। ये वैल्यू जो है ये पूरा डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ विड्थ और थिकनेस का वैल्यू दिया हुआ है किसके लिए? तो ये है स्टील बार के लिए, फ्लैट स्टील बार के लिए। इज प्लेस्ड, देखिए कहाँ पे रखा हुआ है, तो बिटवीन टू एल्युमिनियम बार्स, दो एल्युमिनियम बार के बीच में रखा गया है, जो कि एल्युमिनियम बार का डायमेंशन क्या है? तो देखिए यहाँ पे गिवन है एल्युमिनियम बार का डायमेंशन मेरे प्यारे दोस्तों, ये है 200 mm × 20 mm × 6 mm एज सॉन इन फिगर, ठीक है, जो कि डायग्राम में भी बना हुआ है, डायग्राम भी ये बना हुआ है। देखिए ऑल द थ्री बार्स, यहाँ से समझिए, आर फास्टेंड टूगेदर। फास्टेंड टूगेदर का मतलब है कि तीनों बार को जो है नट बोल्ट से बिल्कुल टाइट किया हुआ है, एक दूसरे के साथ पकड़ करके नट बोल्ट से इसको टाइट करके रखा गया है, बांध करके रखा गया, फास्टेंड टूगेदर। मतलब ऐसा नहीं कि ये बार अलग अलग हो सके, नहीं, बिल्कुल भी एक साथ बांध करके इसको रखा गया है एट रूम टेम्परेचर। ये रूम के टेम्परेचर पे है अभी। फाइंड द स्ट्रेसेस इन ईच बार, सभी बार में, हियर देयर आर थ्री बार, टू बार्स ऑफ एल्युमिनियम एंड वन इज ऑफ स्टील, वेयर द टेम्परेचर ऑफ द होल असेंबली इज रेज्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे ये एक्चुअली में स्टार्टिंग में जो था वो रूम टेम्परेचर पे था, लेकिन इसका टेम्परेचर रेज किया गया है, कितना से? 15 डिग्री सेल्सियस से रेज किया गया है। टेक ये वैल्यू गिवेन आपका कि अंक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्टील के लिए 200 GPa, एल्युमिनियम के लिए 80 GPa और स्टील में आपका अल्फा का वैल्यू, जो कि अल्फा होता है कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि ये थर्मल स्ट्रेस का ही क्वेश्चन है, थर्मल स्ट्रेस का कंपोजिट बार का क्वेश्चन है। क्यों कंपोजिट बार? क्योंकि कंपोजिट बार का मतलब होता है जब टू और मोर देन टू मटेरियल्स टू एक साथ रिजिडली फिक्स्ड हो। यहाँ पे देखिए फास्टेंड टुगेदर है, मतलब कि क्या है? रिजिडली फिक्स्ड हो, तो उस तरह के बार को बोला जाता है कंपोजिट बार। तो यहाँ पे देखिए अल्फा स्टील का दिया हुआ है, यानी कि थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का वैल्यू 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, एल्युमिनियम का है 24 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए ये तो था क्वेश्चन, अब आप समझिए कि कैसे ये सॉल्व होगा। सबसे पहले तो आप वीडियो को बिना स्किप किए जो है वो कंप्लीट लेक्चर को आप देखें, जरूर इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आएगा और फिर इसके बाद आप ढेरों सारा न्यूमेरिकल जो है वो स्टैंडर्ड टाइप का न्यूमेरिकल आप इजीली कर पाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ से समझिए क्या हो रहा है, एक एल्युमिनियम है और नीचे भी क्या है? एल्युमिनियम, और दोनों के बीच में क्या है आपका? स्टील है। ये सारे को फास्टेंड टुगेदर किया हुआ है। 200 mm एल्युमिनियम का भी लेंथ है, 200 mm स्टील का भी है और 200 mm एक और एल्युमिनियम का है, चूंकि क्लियरली यहाँ भी देखिए एल बी और टी, एल्युमिनियम का लेंथ 200, चौड़ाई जो है विड्थ जो है वो
20 mm ही है और 600 थिकनेस है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम और स्टील का थिकनेस में फ़र्क है बट आपका लेंथ में और विड्थ में कोई फर्क नहीं है। लेंथ और विड्थ दोनों का क्या है, सेम है। लेंथ है 200 और विड्थ है 20 mm। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम है, इसका क्रॉस सेक्शन का डायग्राम ये है। आप समझिए ये जो डायग्राम है एक्चुअली में ये है क्रॉस सेक्शन का डायग्राम है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है। आप कहेंगे तो ये है क्रॉस सेक्शनल व्यू मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू का मतलब क्या हुआ, मतलब इसके साइड में यदि देखते, ये बार ये फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है, यदि इसके साइड से देखें तो ये डायग्राम दिखेगा। दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल व्यू, यानी कि क्रॉस सेक्शन में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो है आपका स्टील, वो स्टील का क्रॉस सेक्शन कितना है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील। तो स्टील का क्रॉस सेक्शनल एरिया को यदि पूछे कि स्टील का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, तो इजीली आप बता सकते हैं 20 × होगा 8, यानी कि 160 mm। क्लियरली यहां से समझिए ये बातें, यहां पे एक ट्विस्ट था, एक बात समझने का था। ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एरिया का वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगा, तो एरिया स्टील का 20 × 8, ये कितना है वैल्यू, 8 है। 8 आपका है थिकनेस और 20 है विड्थ, विड्थ है 20, थिकनेस आपका 8, तो विड्थ इंटू टी आपका निकल जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू, क्योंकि लेंथ से कोई मतलब नहीं होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया का। उसी टाइप से सिमिलरली आप यदि स्टील के लिए फाइंड करें तो स्टील में देखिए दोनों का सेम निकलेगा, तो स्टील के लिए कितना होगा, तो कोई कहे कि टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ किसका, स्टील का, सॉरी टोटल एरिया ऑफ एल्युमिनियम। तो टोटल एरिया ऑफ एल्युमिनियम जो कि रेट से दिखाए कितना होगा। आप कहेंगे सर एक तो एरिया ये क्रॉस सेक्शन होगा साइड से देखने पे, यही सेम दिखेगा, यानी कितना 20 × 6 का दिखेगा, एक और ऊपर में 20 × 6 का दिखेगा, यानी कितना होगा ये, तो टू टाइम्स क्योंकि दो बार है, कितना, तो 20 × 6, यानी कि ये हो जाएगा 240 mm स्क्वायर। सॉरी यहां पे भी स्क्वायर करें क्योंकि एरिया है, क्योंकि देखिए 6 × 20 कितना होगा 120 और 120 × 2 240 mm स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशन mm स्क्वायर में था। उम्मीद है कि यहां तक एरिया निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा क्रॉस सेक्शन एरिया क्वेश्चन समझ करके। अब ये कंपोजिट का क्वेश्चन है, कंपोजिट बार है, यहां तक तो आप समझ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये थर्मल स्ट्रेस का भी कॉन्सेप्ट यहां पे होगा। तो आपको हम क्लियरली बताए हुए हैं लेक्चर में ही कि थर्मल स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, क्योंकि ये फ्री टू एक्सपैंड नहीं है, जब फ्री टू एक्सपैंड नहीं है तो इसका मीनिंग होगा कि जो भी मेंबर होगा वो एक ही साथ आपका क्या करेगा, सेम अमाउंट से एक्सपैंड करेगा। दोनों मेंबर यानी एल्युमिनियम भी उतना ही अमाउंट से एक्सपैंड करेगा जितना अमाउंट से स्टील, क्योंकि यदि फ्री एक्सपेंशन होता तो एल्युमिनियम का कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लार्जर है, मोर है, तो इसलिए एल्युमिनियम जो है वो ग्रेटर वैल्यू के साथ एक्सपैंड कर जाता एज कंपेयर टू दी स्टील। लेकिन ये रिजिडली फिक्स्ड है, चूंकि फास्टेंड टूगेदर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फास्टेंड टूगेदर इसका मीनिंग हुआ है रिजिडली फिक्स्ड है, तो सेम अमाउंट के साथ एक्सपैंड होगा, सेम अमाउंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट जो होने वाला है ये एक्सपेंशन का होगा, क्योंकि टेम्परेचर रेज कर रहा है। टेम्परेचर यदि डिक्रीज करता तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता। तो यहां पे देखिए एट इक्विलिब्रियम में यदि बातें करेंगे तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तो आपको बताए हुए हैं कि जिसमें भी टेम्परेचर, एक कॉन्सेप्ट यहाँ फिर से मैं आपको बताते हैं, टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो उस कंडीशन में जो होता है, टेम्परेचर बढ़ने के कंडीशन में वो अल्फा जिसका ज़्यादा होगा, जैसे अल्फा यहाँ पे एल्युमिनियम का है, किससे, अल्फा स्टील से, तो जिसका ज़्यादा होगा इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, जिसमें कम होगा उसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। लेकिन यदि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इस कंडीशन में अल्फा जिसका भी अल्फा, जैसे अल्फा एल्युमिनियम है, सपोज अल्फा क्या है यहां पे, सेमी क्वेश्चन हो, टेम्परेचर यदि डिक्रीज कर जाए तो इस कंडीशन में जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसमें टेंसाइल स्ट्रेस, जिसका कम होगा उसमें कंप्रेसिव, यानी इसका ये रिवर्स चलता है।
तो यहाँ पे यानी कि एल्युमिनियम में जो होगा ऑब्वियस एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, क्योंकि एल्युमिनियम रैपिडली एक्सपैंड होना चाहेगा लेकिन एक्सपैंड नहीं होने देगा। कौन? फिक्स के वजह से एक्सपैंड नहीं करेगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कंप्रेसिव नेचर का फोर्स उस पर अप्लाई होगा, कंप्रेसिव नेचर का रिएक्शन अप्लाई होगा किस पे? एल्युमिनियम पे। तो अब भी एक ही पोजिशन पे तब ही दोनों रह पाएगा। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम में आप कहेंगे लोड है ना, कैसा लोड? तो आप कह सकते हैं कंप्रेसिव लोड, ऑब्वियस है ना, कंप्रेसिव लोड ऑन किस में? ऑन एल्युमिनियम। क्यों कंप्रेसिव एल्युमिनियम के साथ? क्योंकि एल्युमिनियम का अल्फा ज़्यादा है। इज इक्वल टू क्या होगा? तो होगा टेनसाइल लोड ऑन स्टील, स्टील में कैसा लोड? टेंसाइल। तो इसको आप इक्वेट करेंगे तो लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस होगा किसका? एल्युमिनियम का। इनटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया किसका होगा? एल्युमिनियम का होगा। इज इक्वल टू जो होगा वो स्ट्रेस होगा स्टील का, इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया स्टील का होगा। यहाँ से आप क्लियरली बता सकते हैं कि स्ट्रेस जो एल्युमिनियम में होगा वो कितने के बराबर होगा? तो स्ट्रेस स्टील इनटू स्टील में कितना है? तो 160 डिवाइडेड बाय कितना एरिया है? तो 240 है। अब इसको कैंसल आउट करेंगे तो 4 से आप कट करेंगे तो कितना होगा, या 8 से कट करेंगे तो 8 × 2 = 16 होगा, 8 × 3 = 24 होगा। यानी आप कहेंगे कि आपका हो रहा है लगभग सिग्मा एस 2/3, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.67 लगभग आएगा, यानी कि 0.67 सिग्मा एस का वैल्यू आएगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए कि एल्युमिनियम का जो वैल्यू होगा, एल्युमिनियम का वैल्यू कितना होगा? 0.67 टाइम्स स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन स्टील। एल्युमिनियम में ज्यादा होगा, कितना अमाउंट ज्यादा होगा? 0.67 टाइम्स होगा, मोर देन होगा, है ना, 0.67 टाइम्स। एक्चुअली में ये 1 से वैल्यू कम है, 0.67 1 से कम है ना, तो एल्युमिनियम में कम वैल्यू आएगा, स्टील में आप देखेंगे फाइनली का स्टील में कम ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 1 से वैल्यू कम के साथ मल्टीप्लाई हुआ। यदि ये 1 से ज़्यादा के साथ मल्टीप्लाई होता तो ऑब्वियस है एल्युमिनियम में ज़्यादा था एज कम्पेयर टू स्टील। खैर, यहाँ से क्लियर बातें ये हो रहा है। अब जो है नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि ये फ्री टू एक्सपैंड नहीं है, बिल्कुल भी फास्ट एंड टुगेदर है, तो नेक्स्ट जो आपका लाइन होगा वो लाइन होगा कि दोनों में जो एलोंगेशन का वैल्यू होगा, है ना, यानी दोनों में एलोंगेशन बोले या एक्चुअल इलोंगेशन बोले किसमें? एल्युमिनियम में, इज इक्वल टू होगा एक्चुअल इलोंगेशन इन स्टील। आल्सो ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, एक्चुअल या फिर आप टोटल भी इसको बोल सकते हैं, एक्चुअल एलोंगेशन ऑफ किसका? एल्युमिनियम इज इक्वल टू ए, एल्युमिनियम ही लिख देते हैं, चलिए एल्युमिनियम। एक्चुअल एलोंगेशन जो होगा एल्युमिनियम में किसके बराबर होगा? तो एक्चुअल एलोंगेशन ऑफ किसका? स्टील का। ये दोनों में बराबर होगा। यहां पे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको कि एक्चुअल इलोंगेशन एल्युमिनियम में क्या होगा। तो एक्चुअल इलोंगेशन का मतलब हुआ इलोंगेशन ड्यू टू फ्री एक्सपेंशन माइनस, क्योंकि एल्युमिनियम का ज्यादा अल्फा, इसमें कंप्रेसिव आएगा, तो आप यहां पे लिखेंगे इलोंगेशन ड्यू टू फ्री एक्सपेंशन। तो इलोंगेशन ड्यू टू फ्री एक्सपेंशन कितना? अल्फा एल्युमिनियम, और फिर क्या होगा? डेल टी इंटू एल होगा, लेंथ आपका होगा, और फिर क्या होगा? माइनस क्या होगा? तो कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होगा? तो आप कहेंगे एल्युमिनियम में स्ट्रेस इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एल्युमिनियम का अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू कितना? तो इज इक्वल टू आप वैल्यू यहां पे लिखेंगे एक्चुअल में, तो कितना होगा इसका? स्टील का, और इनटू क्या होगा? डेल टी इंटू एल प्लस, क्योंकि स्टील का अल्फा का वैल्यू कम है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होगा और टेंसाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव से। तो यहां पे लिखेंगे टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू किसके वजह से? ड्यू टू, या फिर इलोंगेशन ड्यू टू, यहां पे जैसे लिखे ना कि कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू
कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू आपका क्या सिग्मा एल्युमिनियम या कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू एल्युमिनियम स्ट्रेस। अब यहाँ पे लिखेंगे एलोंगेशन ड्यू टू स्टील स्ट्रेस, है ना, या फिर टेंसाइल स्ट्रेस। सिंपली बोलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एलोंगेशन ड्यू टू किसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू कितना, तो स्टील के लिए इतना होगा और इनटू क्या लेंथ डिवाइडेड बाय कितना होता है अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके लिए स्टील के लिए। चूंकि आप जानते हैं इलोंगेशन का वैल्यू हो या कॉन्ट्रैक्शन का हो 100% पी एल अपॉन ए ई होता है। अब पी अपॉन ए जो है वो स्ट्रेस हो गया क्योंकि पी लोड होता है वहां पे। ये फॉर्मूला आप क्लियरली बहुत सारे लेक्चर में आपको बताए हुए हैं। तो ये फॉर्मूला पे आप वैल्यू को पुट करेंगे अब बिल्कुल भी क्लियरली जो है वो वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। इधर इरेज करते हैं कुछ वैल्यू को, इधर इरेज कर देते हैं ये सब चीज़ें तो आप लिख ही लिए हैं। देखिए यहाँ से क्या आप लिख पाएंगे, तो एक साथ यदि इसको लिखे तो सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए एल एल कट जाएगा वैल्यू और ये वैल्यू को एक साथ लिखते हैं तो आप कहेंगे अल्फा जो होगा एल्युमिनियम माइनस जो अल्फा स्टील होगा इंटू क्या होगा डेल्टी इज इक्वल टू सिग्मा एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एल्युमिनियम प्लस होगा सिग्मा स्टील डिवाइडेड बाय अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का। अब बस डायरेक्टली वैल्यू पुट करें और सारा वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एल्युमिनियम में जो है वो 24 इंटू है, इसमें 12 है, 24 में 12 माइनस करेंगे यानी 24 माइनस 12 एक स्टेप लिख देते हैं इंटू कितना होगा कॉमन में 10 माइनस 6 इंटू कितना है टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा। तो आप एल्युमिनियम के लिए यदि वैल्यू करें तो देखिए एल्युमिनियम का जो वैल्यू था 0.67 टाइम्स किसका स्टील का डिवाइडेड बाय एल्युमिनियम का अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए यहाँ से आप यहाँ से समझिए चीज़ें कि क्या हो रहा है। स्टील में आपका है 200, तो 200 गीगा पास्कल हम प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताए हैं कि 200 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 200 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ऐसे ही 80 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 80 इंटू यहाँ भी लिख सकते हैं आप 80 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लिखेंगे डियर। तो देखिए एल्युमिनियम का लिखना है तो एल्युमिनियम के जगह पे लिखेंगे 80 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस यहाँ पे सिग्मा स्टील ही होगा डिवाइडेड बाय कितना होगा 200 इंटू 10 टू द पावर 3 होगा। यहाँ से देखिए 10 टू द पावर 3 कॉमन आएगा तो 10 टू द पावर 3 को आप कॉमन ले सकते हैं, एक्चुअली में 10 टू द पावर 4 आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 इंटू 5 60 होगा यानी कि 600 होगा। तो 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है ना इज इक्वल टू कितना होगा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4 और फिर क्या बचेगा तो 0.67 टाइम्स है ना, या फिर आप सिग्मा एस भी बाहर कर सकते हैं, सिग्मा एस भी बाहर हो गया 0.67 टाइम्स डिवाइडेड बाय कितना होगा 8 प्लस यही होगा क्योंकि 8 बचेगा डिवाइडेड बाय कितना यहाँ पे होगा 1 डिवाइडेड बाय यहाँ से करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। चूंकि 10 टू द पावर 4 बाहर हो गया तो यहाँ पे तो 8 बचेगा और यहाँ पे कितना 20, ठीक है, चूंकि 10 टू द पावर यानी 20 यहाँ पे। अब इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए सिंप्लीफाई करने से आपको क्या वैल्यू हो रहा है 10 टू द पावर माइनस 6 है नीचे में आएगा 10 टू द पावर 4 और ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसी वैल्यू को जो है ऐसे भी लिख सकते थे, बिल्कुल भी लिख सकते हैं ना 10 टू द पावर, तो आप यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा 2 यानी कि ये भी 20 से ये भी कट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 6 ओनली 6 बचेगा यानी 6 इज इक्वल टू इसको आप यदि सॉल्व करेंगे इसको आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होगा आपके एग्जाम में तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें। देखिए कितना आता है वैल्यू जो आ रहा है 0.67 डिवाइडेड बाय 8 प्लस होगा 1 डिवाइडेड बाय 20 ये जो वैल्यू है ये है 0.13375 यानी 0.13375 सिग्मा एस होगा। अब यहाँ से क्लियरली आप सिग्मा एस इज इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं सिग्मा एस इज इक्वल टू कितना होगा 6 डिवाइडेड बाय 0.13375 ये जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है ऑलमोस्ट 44.86 न्यूटन
पर एम एम स्क्वायर, ये वैल्यू इतना अमाउंट का आ रहा है डियर, 44.86 न्यूटन पर एम स्क्वायर। किसमें ये वैल्यू आ रहा है? तो ये वैल्यू आपका स्टील का है, ये वैल्यू स्टील का है। यदि आप एल्युमिनियम में जानना चाहते हैं तो एल्युमिनियम में कितना आएगा? सिग्मा एल्युमिनियम में जो होगा वो 0.67 टाइम्स स्टील। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए सिर्फ डायरेक्टली किससे, 0.67 से। तो ये वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, 056 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। आपको भी क्लियरली हम बताए थे कि एल्युमिनियम में जो स्ट्रेस होगा वो आपका कम होगा एज कंपेयर टू स्टील, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है 1 से छोटा वैल्यू के साथ। यदि 1 से बड़ा वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता तो एल्युमिनियम में ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूस होता। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल जो है आपको समझ में आया होगा। आप जरूर भी आप इसका जो कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर है, जरूर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप जरूर देखें उस लेक्चर को। एक और भी न्यूमेरिकल ऑलरेडी अपलोडेड है तो उस न्यूमेरिकल को भी देखें, वो भी आपका जो है कंपोजिट बार, थर्मल स्ट्रेस का कंपोजिट बार से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको बिल्कुल भी इस टाइप का लेक्चर जो है कंटिन्यूअसली अपलोड होता रहता है चैनल पे, तो आप नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन रखें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जो भी लेक्चर हम यहाँ से अपलोड करेंगे। सो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।